नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ सिमिदानी। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सीधा सवाल में। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में 18 सितंबर 2016 को सेना के कैंप में हुआ भीषण आतंकवादी हमला, जिसमें कम से कम 20 सैनिक शहीद हुए। 12 मार्च 1993 का मुंबई सीरियल ब्लास्ट, जिसमें 257 लोगों की जाने गई, 713 घायल हुए। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला, जिसमें 6 पुलिसकर्मी और 3 संसद भवन कर्मी मारे गए। अक्षरधाम मंदिर में किया गया 24 दिसंबर 2002 का हमला, जिसमें 30 लोग मारे गए, 80 घायल हुए। 29 अक्टूबर 2005 को दिवाली से 2 दिन पहले दिल्ली के सरोजनी नगर और पहाड़गंज जैसे मुख्य बाजारों में आतंकी हमला, जिसमें लगभग 63 लोगों की जाने गई और 210 घायल हुए। 11 जुलाई 2006 का मुंबई लोकल ट्रेन धमाका, 26/11 मुंबई हमला, फेहरिस्त काफ़ी लंबी है। इन आतंकवादी हमलों ने देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था को जर्जर बना दिया। देश को इससे उबरने और जनता को, खासकर युवाओं को, आतंकवाद और हिंसा से दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन आज आतंक विरोधी दिवस मनाने का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर सभी राज्यों के मंत्रालय में मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखा है और कहा है कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा से दूर करना है, क्योंकि अगर युवा सही रास्ते पर आ जाएं तो आतंकवाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी घोषणा की है कि सभी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्रों में आतंक विरोधी शपथ आज दिलाई जाएगी। वाद विवाद लेखन, चित्रकला समेत विभिन्न आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार का यह कदम काफी सराहनीय है और सुर्खियों में भी है, लेकिन इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या आतंकवादी संगठन ने की थी। संगठन के द्वारा 21 मई 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हर मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की घोषणा कैसे कर सकती है। लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राजनीति में सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। आज बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे के मुद्दे को हथियाने की जैसे होड़ लगी हुई है। कांग्रेस ने जहाँ बीजेपी की एक परिवार एक टिकट की नीति को अपनाया है, वहीं बीजेपी का मुसलमानों के तरफ हाथ बढ़ाना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि उसे मुसलमानों के रूप में एक बड़ा वोट बैंक दिखाई दे रहा है, जिसे साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यानी कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजीव गांधी की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने के साथ ही कांग्रेस की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। कांग्रेस को यह डर है कि सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल की तरह राजीव गांधी को भी कांग्रेस से छीनने की तैयारी बीजेपी कर रही है। बहरहाल, चाहे यह वोट बैंक की ही राजनीति क्यों न हो, अगर आतंकवाद जैसे मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के विचारों को अपनाती हैं तो इससे भला देश का ही होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगली बार हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।